लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज हमारा टॉपिक है एचटीएमएल की सीरीज़ में, वो है टेबल टैग। टेबल टैग के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये होता क्या है। टेबल में जैसे आपको पता है कि हम कोई भी डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन का, किसी भी मतलब शॉप का, इसी तरह हमें कोई टेबल में इस तरह डाटा स्टोर किया जाता है। और इसके बाद आप इसमें कोई इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं टेबल में, वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम दो टैग्स यूज़ होते हैं, तीन टैग्स यूज़ होते हैं। एक होता है टेबल का, और उसके अंदर होता है टीआर टैग यूज़ होता है, वो होता है रो का टैग। और इसके अंदर यूज़ होता है कॉलम का टैग, वो होता है टीडी टैग। ओके, तो ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा। तो फिलहाल इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी टाइप। इस तरह का भी अगर आपने कोई रिकॉर्ड वगैरह अपनी वेबसाइट पे डिज़ाइन करना तो वो भी कर सकते हैं टेबल के थ्रू। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैंने कोई इमेजेस वगैरह अपने टेबल में इस तरह सीक्वेंस में लगवानी है, तो वो भी आप टेबल टैग के थ्रू लगा सकते हैं। तो चलें अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई हुई है, तो उसको मैंने सेव किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं टेबल टैग, ले लेते हैं टेबल टैग। तो इसके अंदर आपने ना एक रो टैग लेना है, ठीक है। तो उस रो के लिए आप लेते हैं TR। तो TR ये मतलब कि एक रो टैग है। और इसके अंदर आप कॉलम टैग ले लें, कॉलम। तो मैं इसके अंदर एक रो के अंदर दो कॉलम ले लेता हूँ, दो कॉलम ले लिए। ओके, तो इसके अंदर मैं कोई भी पैराग्राफ वगैरह ले लेता हूँ इंटरनेट से, तो वो फिर हमें इजी रहेगा। यहाँ पर हम कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ से पैराग्राफ को ले लेते हैं। तो ये एक पैराग्राफ ले लिया, इतना बहुत है। VS कोड ओपन करने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट में भी यहीं से एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलिए अब हम इसे रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अपन फाइल ओपन कर जहाँ पर सेव किया है, और यहाँ से टेबल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये दो रोज़ बनी हुई हैं, एक रोज़ ये। ओके, एक ही रो है, ये पूरी रो है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रो है, और इसके अंदर दो कॉलम है। ओके, तो एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, एक ये कॉलम यहाँ तक। इसके अंदर आपको मार्जिन, वो अभी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हमने बॉर्डर नहीं ना दिया, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कॉलम बने, एक ये कॉलम ये यहाँ पर और एक कॉलम यहाँ पर, और एक रो में हमने दो कॉलम बनाए। आप अगर चाहें कि हमने मतलब एक कॉलम और बनाना है, तो उसके लिए भी सेम मैं एक TR टैग वो ले लेता हूँ। तो उसके अंदर मैं यही इसी तरह एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने ये देखिए एक पैराग्राफ इस तरह का ले लिया जैसे ऊपर था। तो इसके अंदर TR के अंदर दो कॉलम ही तो बनाने हैं ना, एक कॉलम ये, इसके अंदर मैंने ये रख लिया, और एक कॉलम और बना लेता हूँ इसके अंदर दीदी। और इसके अंदर मैं यही लाइन ले लेता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि दो दो कॉलम बन रहे हैं, हम बना रहे हैं एक रो के अंदर। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये ना टेक्स्ट ज़्यादा, तो इसकी विड्थ ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊँगा, तो उससे आप डिज़ाइन कर सकेंगे। चलें अब मैं फ़िलहाल आपको ना इसके टेबल का बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि आपको नज़र आए कि कॉलम और रोस। मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ इसका बॉर्डर, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा टेबल, ये देखिए ये हमारे पास एक रो है, और इसके अंदर दो कॉलम है, फिर एक रो है, इसके अंदर दो कॉलम है, और ये टेबल के अंदर स्टोर है। ओके, तो इसी तरह आप अपना टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप दिल करें, जिस तरह आपको बेटर समझे, जिस तरह आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है, वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ देना चाहता हूँ, विड्थ टेबल की मैं विड्थ एडजस्ट करना चाहता हूँ, इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी है वो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 50,
पिक्सल नहीं परसेंट 50%, सॉरी मैं इसे पिछले हूँ, यहाँ पर 50%, ये मैंने इसकी डेली विड्थ, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके ये देखिए इसकी विड्थ मैंने 50% लिखी है, तो ये और छोटा हो गया। तो अब इसकी जो हाइट होती है ना, इसमें टेबल में जो एक हाइट की प्रॉपर्टी होती है ना, उस नाम की कोई टेबल में हाइट की प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसमें सिर्फ विड्थ ही होती है, क्योंकि हाइट जो होती है ना वो ऑटोमेटिकली इसकी ना इंक्रीज होती है, जिसका नाम मैंने अब विड्थ ओवर भी यूज़ कर दूँगा ना। तो मैं अगर विड्थ कर देता हूँ या 40% कर देता हूँ, तो इसकी हाइट और ज़्यादा हो जाएगी, जितना टेक्स्ट होगा उतनी ही ज़्यादा हाइट होती जाएगी। ये देखिए वो टेक्स्ट आ गया, ये और हाइट होगी, तो इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, और जो विड्थ है वो अपने खुद करनी होती है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे विड्थ का, कि यहाँ पे मैंने विड्थ पिक्सल में क्यों नहीं ली, विड्थ पिक्सल में इसलिए नहीं ली कि अगर इसमें बाद में मैं अगर स्क्रीन इसमें छोटे ही करता हूँ, तो ये खुद बाय खुद इसकी स्क्रीन के हिसाब से इसकी हाइट और विड्थ को मैनेज कर लेगा। देखा जब मैंने अपनी स्क्रीन छोटी की है तो इसकी हाइट भी ज़्यादा हो गई है, मतलब ये यहाँ ये नहीं हुआ कि इसके मतलब ऐसे में छोटी किया तो ये इसके पीछे आया, यहाँ पर एक स्लाइडर सा था वो नहीं आया, तो इसलिए मैंने परसेंट में ली है कि ताकि इसकी रिसाइजिंग ऑटोमेटिकली हो। तो अगर मैं आपको ले कर दिखाता हूँ पिक्सल में, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पिक्सल, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 100 पिक्सल, तो मैं भी चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखा इसने इसकी पैडिंग चेंज कर दी है, तो एक मिनट इसकी मैं थोड़ी वेट और इंक्रीज कर देता हूँ, इसकी मैं 550 तक इसकी ले लेता हूँ। ओके ओके इसकी विड्थ बहुत कम ले रहा मैं, तो मैं इसकी विड्थ ले लेता हूँ 500 तक ले लेता हूँ, 400 मस्त बहुत है, तो 400 तक ले लेता हूँ, ये अब ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसकी रिसाइजिंग करूँ, इसकी मैं छोटी करूँगा ना, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उतनी ही उतनी रहेगी, ये नहीं होगा कि स्क्रीन के साथ मैं इसकी और ज़्यादा करता हूँ फिर आपको बेटर समझ आएगी। 700 कर दी, तो अब देखिएगा, अब ये देखें, ये देखा ये उधर को चले गए और नीचे ये स्लाइड बन गई है, स्लाइड जैसा बन गया, तो उसको फिर इस तरह देखना पड़ता है, तो इसलिए हम परसेंट में लेते हैं ताकि वो स्क्रीन के मुताबिक वो इसकी रिसाइजिंग कर दे। ओके तो आप भी परसेंट में लीजिएगा, मैंने सेव कर दिया। ओके ये हमारी एक प्रॉपर्टी ये थी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है इसकी अलाइनमेंट आ जाती है। तो आपने अलाइनमेंट कैसे करनी है, यहाँ पर आपने ले लेना अलाइन, उसको कर देना सेंटर। ओके जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होती है वो लेफ्ट होती है, जैसे ये देखें इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके ये पहले लेफ्ट में थी और बाय डिफॉल्ट अब मैंने इसको अलाइनमेंट इसकी दी है सेंटर में, तो ये सेंटर में आ गई है, तो आप इसको राइट में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर दे देता हूँ राइट और इसको मैं जाकर कर देता हूँ रिफ्रेश, तो राइट में जा सकती है, ये आपकी अपनी मर्जी, आप जहाँ मर्जी ले लें, मैं इसको सेंटर में लेंगे, तो मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ओके तो ये आ गई सेंटर में। ओके ये हमारी है अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी, कि आप अपने टेबल को अगर कहीं पे लेफ्ट में करना हो, राइट में करना हो, सेंटर में करना हो, वो आपकी अपनी मर्जी होती है, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं। ओके तो इसमें इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है, कि आपने इसमें पैडिंग बतानी होती है जो इसके चारों साइड पे मतलब स्पेस पैदा कर देता है, मतलब इस कॉलम में के इर्द गिर्द, मतलब जो हमारा टेबल है उसके अंदर जो ये हमारे ब्लॉक बने हुए हैं और इनकी आपस में पैडिंग कितनी करनी है, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ फिर आप उसे समझेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेल पैडिंग। ओके तो मैं ये ले लेता हूँ सेल पैडिंग, ले लेता हूँ 10 पिक्सल, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जो हमारे अंदर का एक टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ सीरीज ऑफ स्टेंस डाटा ऑर्गेनाइज, इसकी ना पैडिंग ज़्यादा हो गई है, मतलब इसकी जो बॉर्डर है ना इससे पैडिंग ज़्यादा हो गई है, तो इस तरह आप अगर और इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अब इसकी कर देता हूँ 50 कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए, क्लियर नज़र आए। तो ये देखिए आप ये देखिए इसकी इसके जो बॉर्डर उसके साथ
चारों साइड पे इसकी पैडिंग जो है एक इक्वल होगी, मतलब इस तरह आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप अब इसको बॉर्डर करीब लाना चाहते हैं तो डिक्रीज कर दें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हमने वो पैडिंग ज़्यादा रखने के बॉर्डर के दरमियान स्पेस रखनी है, तो इसके लिए आप सेल पैडिंग यूज़ करके तो जितनी मर्जी पैडिंग दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके अलावा अगर आपने बॉर्डर के दरमियान मतलब इस पूरे सेल को, ये देखो एक एक सेल बना हुआ है, इसकी पैडिंग इंक्रीज करनी है मतलब टेबल के बॉर्डर के साथ, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं सेल स्पेसिंग। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सेल स्पेसिंग, ओके। तो ये मैंने दे दी 10 पिक्सल, चलें चेक कर लेते हैं क्या करता है ये। ये देखिए ये ब्लॉक है ना, इसकी इससे जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी चारों साइड से, इसकी इसके साथ हर सेल की आपस में ना स्पेसिंग इंक्रीज होगी है। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप कितनी जितनी मर्जी दे दें। मैं इसी को 50 कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। चलें आपको समझाने के लिए मैं ये कर देता हूँ, ये चेक कीजिए अब, ठीक है। अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो इसके ब्लॉक्स होते हैं उसकी स्पेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग, और जो इसके अंदर अंदर टेक्स्ट होता है उसकी स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग, ओके। तो उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आपने इस पूरे टेबल का, मैं एक मिनट ये सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ठीक कर दूँ, 10-10 कर लेते हैं हम इस इन दोनों की। तो ये मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस, तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी अब ठीक है। तो अगर आप इनका चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं टेबल का, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बीजी कलर, ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ बीजी कलर, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर पिंक दे देता हूँ, तो ब्लैक के साथ वो ठीक लगेगा। हाँ जी अब ठीक है। तो इस तरह आप पूरे टेबल का भी कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअली इन जो ब्लॉक हैं, ये जो ब्लॉक हैं, इनका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ, उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर TD में आएंगे, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे देंगे बीजी कलर, और यहाँ पर मैंने इसकी दे दी ऑरेंज पहले की, ओके। तो दूसरे की मैं दे देता हूँ बीजी कलर, दे देता हूँ बीजी मतलब होता है बैकग्राउंड, ओके। तो येलो दे देता हूँ। हर ब्लॉक या आप डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं डिफरेंट भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर भी ले लेता हूँ बीजी कलर ग्रीन, और नेक्स्ट वाली वाइट ही रहने देता हूँ। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, और ये पिंक आ रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, तो मैं इसका भी कर लेता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ बीजी कलर ब्लू कर लेता हूँ, चलिए अब चेक कर लेते हैं। हाँ जी अब ठीक है। अगर आप इससे आपको समझ आ गई होगी कि आप इंडिविजुअली भी हर ब्लॉक का कलर कर सकते हैं और पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, कलर भी रख सकते हैं, ओके। तो ये हमारा बीजी कलर की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है इसकी मतलब जो टेक्स्ट है अंदर को उसको अलाइन करना हो, तो मैं अब एक कर लेता हूँ, चले मैं TR, ये एक रो है, अगर इसकी मैंने अलाइनमेंट करनी है ये यहाँ पर लूँगा मैं अलाइन, ओके। तो राइट ये क्या करेगा, ये राइट करेगा कि ये जो हमारा पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है उसको राइट से स्टार्ट करेगा। तो मैं भी आपको कर दिया, अब ये देखें लेफ्ट में है ना, तो ये देखिए ये इन दोनों को राइट पे ले आया, इसको भी वो इसकी स्पेस का मैंने, इसलिए आपको साफ नज़र नहीं आ रहा, तो इसको आप देख राइट में लेगा। अब इसको आप लेफ्ट पे भी लाना चाहें तो लेफ्ट भी ला सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे ही होता है, तो इस ज़रूरत नहीं है वापस लाने की। तो आप सेंटर में भी ला सकते हैं, इसको सेंटर में कर लेता हूँ मैं भी, तो मैंने सेंटर पे कर लिया। तो सेटिंग के लिए ये देखिए ये सेंटर में आ गया, तो इसी तरह आपकी अपनी मर्जी होती है, तो मैं इसे सेंटर में रखूँगा। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, आप राइट में लाना चाहिए तो राइट में ला सकते हैं, और उसके बाद अगर आप सेंटर में लाना चाहिए तो सेंटर में ला सकते हैं, तो सेंटर में ठीक है। तो उसके बाद ऐसा करते हैं कि इसका भी मैं सेंटर में कर देता हूँ, इसकी अलाइनमेंट भी अलाइन, उसके बाद सेंटर, चले मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, ओके। तो ये मैंने इसको सेंटर में कर दिया, चले ये देखिए इसको, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, सेंटर में, अब ये अच्छा लग रहा है दिखने में। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है वो होती है इसकी अंदर से जो इसका टेक्स्ट है, तो इसको मैं अगर टॉप पे लाना चाहूँगा वो भी ला सकता हूँ। फिर अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक प्रॉपर्टी मेरे पास V अलाइन,
एल आई जी एन वी ए लाइन इक्वल टू टॉप, ये मैंने ले लिया टॉप पे। तो चले मैं इसको चेक कर लेता हूँ इसको, तो ये होगा कि ये थोड़ा जो है ये टॉप पे आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी टॉप इसलिए वाजे हो रहा, मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ये जो हमारे पैराग्राफ लिखा है तो अगर यहाँ पर इसे ऊपर से लाना शुरू कर दें, अगर इसकी फर्ज करें इस सेल की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, अब ये तो इक्वली है ना इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर इस सेल की विड्थ ज़्यादा है ना तो ये थोड़ा पैराग्राफ नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये भी इसी तरह लेफ्ट टॉप और मिडल में नहीं आ रहा, तो अगर आप जस्ट करना चाहते हैं कि मैं इसको भी टॉप में शुरू करना चाहता हूँ और इस पैराग्राफ को भी टॉप में शुरू करना चाहता हूँ, मतलब इक्वली शुरू हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर एक कॉलम के अंदर वी अलाइन, उससे आप बता सकते हैं टॉप में करना है, मिडल में करना है, जैसे भी आपने करना है, डाउन से करना है, तो वो आपको बता सकते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है, तो अभी फिलहाल हमारी इक्वली है चारों साइड से, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आज जो हमने टेस्ट की पढ़ी है वो आज इतनी थी। तो कैसे इसको टेबल के अंदर कॉलम को रो में आपस में डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इनको, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो चलिए मैं आपको इसके बता देता हूँ इसके अंदर इमेजेस कैसे लगाते हैं। अगर चाहते हैं आपके टेस्ट की जगह कोई इमेजेस आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपने, तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं पहले ये जो टेस्ट है ये मैं रेज कर देता हूँ। ओके, तो और अंदर इसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी रेज कर देता हूँ, ये भी मैंने रेज कर दिया। तो चले मैं एक होता है एट्रीब्यूट, यहाँ से एक मिनट ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर एक टैग मैंने बनाया हुआ आपको इमेज टैग, वो आप ले लें। तो मैंने यहाँ पर ना फोल्डर में ऑलरेडी बनाया हुआ है इमेज का बनाया हुआ है ना, तो उसके अंदर मैंने चार इमेज ऑलरेडी ली हुई हैं। तो आप पता क्या करें, तो आप एक फोल्डर बना के उसके अंदर चार इमेजेस ले लें, पहले मैंने ली हुई हैं तो इस मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट इसको इसके भी जो हैं इसको मैं रेस करता हूँ टेस्ट को, इसकी बीजी कलर वगैरह को, और इसके अंदर भी मैं इमेज ले लेता हूँ डॉट स्लैश। ओके, इसका क्लोजिंग टैग में से चले गया, तो ये है इसका क्लोजिंग टैग। चले मैं इसके अंदर ले लेता हूँ इमेज इमेज टैग और इसको डॉट, इसको इमेज नंबर टू ले ली, और उसके बाद फिर मैं इसके भी प्रॉपर्टीज को रेज करता हूँ और ये जो टेक्स्ट है इसको भी मूव करता हूँ और इसका भी टेक्स्ट मूव कर देता हूँ ताकि हमें बार बार करना ना पड़े एक चीज़ को, और इसके कर लेते हैं। उसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टीज को भी ऐसे रेज कर देते हैं अलाइनमेंट की। ओके, तो ये एक रो है, ओके यहाँ पर एक इमेज टैग ले लेता हूँ और इसके बाद इमेज ले लेता हूँ इमेज नंबर थ्री ले लेता हूँ, और उसके बाद एक और ले लेता हूँ इमेज इमेज, और यहाँ पर इमेज नंबर में ले लेता हूँ। और चलें अब इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये लग गई इसकी इमेजेस, ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था वैसे ही लगी है बिल्कुल। तो इसके बाद मैंने इसकी सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, तो इस वजह से आपको नहीं लग रहा वैसी, तो मैं इसको भी कम कर देता हूँ ताकि बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसका मैं बीजी कलर भी रिमूव कर देता हूँ, बीजी कलर मैं रिमूव नहीं करता, मैं इसको बीजी कलर वाइट दे देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर बीजी कलर दे देता हूँ वाइट, और इसके बाद इसकी जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है वो भी मैं 1-1 पिक्सल कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट रहने दें, विड्थ भी रहने दें, बॉर्डर भी रहने दें। चलिए अब चेक कर लेते हैं, अब ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। ओके, इसी तरह आप अपने किस अन्य टेबल को अपने अगर वेबसाइट पे लगाना है और इसको डिज़ाइन करना है तो जैसे मैंने आपको बताया आप इस तरह कर सकते हैं। इमेजेस को भी सेम टू सेम जैसे मैंने इस टेस्ट के लिए फॉर्मेट टेस्ट के लिए हमने मैंने प्रॉपर्टीज पर आई हैं उसी तरह आप इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक इतना था, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।